क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से मात दी। विराट कोहली ने शानदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा और अंत तक नाबाद रहे। भारत ने अब तक 7 मैच जीतकर रन तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 7 में से 6 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। लगातार 7 जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी तो लक्ष्य साफ था, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस जीत पिच और मौसम को देखते हुए रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर में ही भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए। हालांकि रोहित जब 40 पर पहुंचे तब कगिजो रबाडा ने उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 31 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया केशव महाराज ने, जिन्होंने शुभमन को 23 पर चलता किया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी निभाई। खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा एंगडी ने, जिन्होंने 77 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट किया, लेकिन रन मास्टर कोहली जमे रहे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली 101 रन पर नाबाद रहे और उनकी इस बेहतरीन पारी के बल पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए। 327 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्विंटन डिकॉक 5 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बेबुमा का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 11 पर रवींद्र जडेजा ने आउट किया। इन झटकों से दक्षिण अफ्रीकी टीम उबर नहीं पाई और 40 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते टीम के 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन हो लिए। रवींद्र जडेजा की फिरकी और मोहम्मद शमी की धार का जवाब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं खोज पाए और अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबले को 243 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया, यानी कि एक और बड़ी जीत टीम इंडिया के नाम हुई। कोलकाता से नारायण सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।